हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं मार्गो रॉबर्ट्स की अपकमिंग फिल्म, या फिर सिंपली कहूं पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के यूनिवर्स की स्पिन ऑफ फिल्म, जो कि अब कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग या फिर कहूं कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग इस यूनिवर्स को रिबूट करने वाली थी। अब थी से मेरा मतलब यह है कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है, जिस पर खुलकर बात करना तो बनता ही है। लेकिन उन सबसे पहले बनेगी मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो मार्गो रॉबर्ट्स की गई कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग कई सारी बातों का खुलासा भी हो जाता है, जिनमें सबसे बड़ा मेजर अपडेट तो यही है कि डिज्नी वालों की प्रॉपर प्लानिंग पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के यूनिवर्स को बढ़ाने की नहीं, बल्कि एक हिसाब से रिबूट करने की थी, ताकि उनकी तरफ से इस यूनिवर्स को लेकर फिर से बड़ी शुरुआत की जा सके, वो भी जैक स्पैरो जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर को निकालकर, जो कि अब भी मुझे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लगता। और शायद यही चीज मार्गो रॉबर्ट्स के साथ साथ राइटर क्रिस्टीना हुडसन को भी समझ आ गई है, जो डिज्नी के साथ मिलकर या फिर कहूँ मार्गो रॉबर्ट्स के साथ टीम अप कर इस प्रोजेक्ट पर कहानी लिखने की जिम्मेदारी उठाकर बैठ चुकी थी, जिसमें सिर्फ यही प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक और प्रोजेक्ट की भी तैयारी कर ली गई थी, जिसमें फिर से डिज्नी वालों की तरफ से कोई मेल नहीं बल्कि फीमेल या फिर कहूँ एक्ट्रेस कैरेन गिलेन की बात चल रही थी। लेकिन उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अब तक कोई भी डिटेल निकल कर नहीं आई है कि कैरेन गिलेन का वो प्रोजेक्ट डिज्नी के अंडर प्रोडक्शन में है भी या नहीं। लेकिन बात करें मार्गो रॉबर्ट्स की, तो उन्होंने क्लियरली इस बात को कंफर्म कर दिया है कि पहले वो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थी और काफी ज्यादा इंटरेस्टेड भी, जिस पूरी रिपोर्ट को कवर करने की जिम्मेदारी वैनिटी फेयर वालों की है, जिनके इंटरव्यू में मार्गो रॉबर्ट्स ने ये बात कही है, या फिर कहूँ इस फिल्म के प्रोजेक्ट को कैंसिल करने की बात कर ली है, जो कि एक हिसाब से मार्गो रॉबर्ट्स की उस रिपोर्ट में इसी बात की कंफर्मेशन भी कर रही थी कि डिज्नी वाले पायरेट्स के इस पूरे फीमेल यूनिवर्स को बिल्ड करना चाहते थे, जिसका आइडिया उन्हें जैसे कि मैंने कहा पहले अच्छा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी डेवलपमेंट में जितना ज्यादा वो राइटर के साथ इन्वॉल्व थी, उतना इंटरेस्ट डिज्नी वाले बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे थे, जिसके बाद फिर क्या था, उन्होंने इस प्रोजेक्ट से मुंह मोड़ लिया, जिस पर अब वो फिर से बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहती। या फिर एक हिसाब से देखा जाए तो जॉनी डेप की जो सिचुएशन चल रही है हॉलीवुड में, और हाँ उनके फैंस को भी लेकर, उससे तो बेटर यही होगा कि वो इस प्रोजेक्ट से स्टेप बैक ही कर ले, क्योंकि अब बारी है डिज्नी वालों की कि वो इस प्रोजेक्ट पर आगे अब किस तरीके से मूव करना चाहते हैं, क्योंकि जो कुछ भी चीजें उनके दिमाग में चल रही है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के यूनिवर्स को लेकर, वो भी बिना जैक स्पैरो के, वो एक इम्पॉसिबल सी चीज है, जिस पर कोर्ट में कही जॉनी डेप की बात भी इसी बात की मोहर लगा देती है कि ये यूनिवर्स जॉनी डेप की नजर में भी पूरी तरीके से डेड हो चुका है। क्योंकि अगर बात की जाए खुद जैक स्पैरो के ही कैरेक्टर की, तो उस कैरेक्टर की जो प्रेजेंटेशन फिल्म के फर्स्ट पार्ट में लोगों के सामने रखी गई थी, वो आज भी इतनी ज्यादा माइंड ब्लोइंग लगती है कि उस फिल्म को जितनी बार भी देखो मन नहीं भरता। और बाकी की फिल्में बस बॉक्स ऑफिस के नंबर को आगे बढ़ाने के लिए कंटिन्यू की गई थी, जिसमें धीरे धीरे अगर बाकी दूसरे कैरेक्टर डेवलप हो रहे थे, तो वहीं जैक स्पैरो का कैरेक्टर डम भी, जिसकी लास्ट फिल्म ने ये प्रूव कर बता दिया कि जैक स्पैरो जो महान पायरेट्स है और जो उसके किस्से भी मशहूर हुए हैं, वो सब बस एक एक्सीडेंट है, जिन एक्सीडेंट में जैक स्पैरो यानी कि वो इडियट कैरेक्टर बस किसी ना किसी तरीके से बचता चला गया है, जिसमें अगर प्रॉपर तरीके की डेवलपमेंट होती, जो मुझे लगता है फिल्म की थियोलॉजी के हिसाब से ठीक थी, बट बाकी की दो फिल्में इस यूनिवर्स में उस कैरेक्टर को बिल्कुल भी अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं करती मेरी नजर के हिसाब से। और अब अगर ऐसे में डिज्नी वाले बिल्कुल ही नया स्टेप लेना चाहते हैं, तो उन्हें जैक स्पैरो के कैरेक्टर को फिर से फर्स्ट पार्ट के लेवल पर रखकर ही अपनी राइटिंग को आगे बढ़ाना चाहिए, अगर वो लोग इस यूनिवर्स को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। लेकिन अब ये सब कुछ फिलहाल तो अंदर की बातें हैं, जिस पर अब तक डिज्नी वालों ने ऑफिशियली कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दी है। बट एक अच्छी बात है कि मार्गो रॉबर्ट्स की कंफर्मेशन कहीं ना कहीं पायरेट्स के फैंस को बहुत बड़ी राहत भी देगी, और अगर इस पर सीरीज बनती है पायरेट्स के यूनिवर्स की, या फिर कहूँ डिज्नी पार्क में दिख रही रेड के कैरेक्टर को लेकर, तो फिर उसे बस डिज्नी का एक्सपेरिमेंट ही माना जाएगा, जिसमें वो लोग इस प्रोजेक्ट को बनाकर नेशनल ट्रेजेड की ही तरह टेस्ट करेंगे कि डिज्नी प्लस पर ये चीजें काम कर भी रही है या नहीं। जबकि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के मटेरियल को अगर देखा जाए, तो वो थिएटर रिलीज के लायक ही है, डिज्नी प्लस पर सीरीज प्रेजेंट करने के बिल्कुल भी नहीं। जिस पर फिर क्या बनेगी आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में भी लिखकर बता सकते हो, क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से छोटी सी वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूं अजीज, मिलूंगा आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।